लेके जाएंगे स्लैब के ऊपर, जो कि इसको पन्नी के ऊपर डालेंगे। तो और अंजू अंजू दीदी ने भी स्टार्ट कर दिया, कुछ इस प्रकार के पापड़ बनाए जाते हैं। और फिर ये हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, अभी मैं घर पे ही था और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 7:30 बजे। और गाइस, मैं बता दूं कि आज बन रहा है हमारे यहाँ पापड़, जो कि गेहूँ के पापड़ है। और अभी उसको अपन जा रहे हैं उधर डालने के लिए, और अभी चूड़ने के लिए रखा है गंज। और गाइस, अपने यहाँ बता दूँ तो अपने यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं होने की वजह से अपन दूसरे के यहाँ पे पापड़ डालने वाले हैं आज। और मम्मी और दीदी चली गई है और मैं जाने वाला हूँ। तो गाइस, अभी चाय पानी हो गई है और अभी खड़े थे अपन लोग अपने ही घर के पीछे। तो गाइस, चलते अभी फटाफट से और वहाँ का वीडियो कवर करेंगे। कुछ पब्लिक इधर बैठी है जो कि धूप का आनंद ले रही है सुबह सुबह का और सनसेट का। तो देख सकते हैं अभी इधर से सूरज निकला हुआ है और अपने को जाना है इधर आगे, देख सकते मंदिर के साइड से निकलता है पीछे से सूरज। और तो फाइनली गाइस, अभी मामा के घर पे आ गए थे, मक्कन मामा के यहाँ पे, जो कि उनका सिलाब का घर है। तो वहाँ पे अपन ऊपर डालेंगे पापड़। और इधर देख सकते हैं फाइनली पीठ चूड़ के तैयार हो गए, जो कि गेहूँ के आटे के पापड़ है, जो कि यहाँ पे फाइनली चूड़ के तैयार हो गए। और इसमें बता दूँ तो इसमें गाइस इसके पहले आटे को छाना जाता है और उसके बाद में इसको यहाँ पे लाके पानी के अंदर डाल के उसके बाद में इसमें अपने स्वाद अनुसार मिर्ची और जीरा डाला जाता है। और देख सकते हैं गाइस, और नमक भी डालते हैं इसमें स्वाद अनुसार। और अभी इसको क्या बोलते हैं, लेके जाएंगे स्लैब के ऊपर, जो कि इसको पन्नी के ऊपर डालेंगे। तो ऊपर स्लैब के ऊपर, तो स्लैब के ऊपर क्या बोलते हैं, मामी और छोटी दीदी चली गई है और वहाँ पे बिछा रहे हैं पन्नी। तो अभी इसको बाल्टी से ऊपर लेके जाना है और फिर फैलाएंगे। तो अभी चलते हैं उधर साइड में। दीदी ने क्या बोलते पूरा पोछा वगैरह लगा दिया है यहाँ पे, पन्नी को अच्छे तरीके से साफ कर दिया है। और इधर क्या बोलते चुटकी दीदी गमले को पानी डाल रही है। और अभी क्या बोलते यहाँ से जहाँ दीदी खड़ी है वहाँ से बाल्टी ऊपर रस्सी के द्वारा खींची जाएगी। तो अपन चलते उधर, दिखाता हूँ थोड़ा सा और कुछ नज़ारे इस टाइप के। भाई ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, इधर सिलाब के मकान है और इधर साइड में पीछे से खेत लग जाते हैं। और देख सकते कुछ ऐसा है मकान, और इधर शायद यहाँ पे मकान बन रहा है, बट इनका मकान उधर आगे गांव में बन रहा है। और ये हमारे हनुमान जी का मंदिर। तो गाइस, कुछ इस प्रकार के नज़ारे हमारे गांव के। और अभी अपन मैं बताता हूँ कि कैसे क्या बाल्टी उधर नीचे से ऊपर लाते हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पे दीदी के पास में। तो देख सकते हैं गाइस, फाइनली पीट आ गया है ऊपर, और इसमें देख सकते हैं चम्मच वगैरह भी। और अभी इसको यहाँ पे डालेंगे पन्नी के ऊपर। तो फाइनली यहाँ पे पापड़ डालना स्टार्ट हो गया है, और दीक्षा दीदी और चुटकी दीदी भी हमारे साथ में है, जो कि यहाँ पे पापड़ डालेंगे, और अंजू दीदी भी है। तो इधर दिखा दूँ कुछ, तो ऐसा कुछ यहाँ पे पन्नी के ऊपर पानी और तेल से पोछा जा रहा है यहाँ पे, और इसके ऊपर फिर पापड़ डालेंगे। तो देख सकते दीक्षा दीदी ने स्टार्ट कर दिया है, और चुटकी दीदी का बहुत धीरे धीरे काम है, अभी स्टार्ट नहीं किया उनने। और ऐसा गोल आकार में बनाया जाता है, जितना गोल रहा उतना अच्छा होता है। और
अंजू अंजू दीदी ने भी स्टार्ट कर दिया। कुछ इस प्रकार के पापड़ बनाए जाते हैं और फिर ये सूखने के बाद में इसको कितने घंटे के बाद पलटाते हैं जी इसको। अंजू दीदी कितने थे? हाँ, तो गाइस 2 घंटा लगता है इसको सूखने को एक साइड से, और फिर इसको दूसरे साइड पलटाया जाता है तो फिर वो दूसरे साइड सूखता है। गाइस देख सकते हैं पीछे आधे पापड़ डल गए हैं और अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं बचे हैं, 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा भी लग सकता है अभी पीछे। तो देख सकते हैं कितने गोल गोल बनाए हैं पापड़, और इनको प्रैक्टिस है। अगर यहाँ पे पापड़ बनाता तो चांद सितारे बन जाते थे। तो यार अभी अपन सैलाब के नीचे आ गए थे और सैलाब बता दो यार काफ़ी ऊपर है, देख सकते हैं इधर, और खाली यहाँ पे सीढ़ी लगी है जो कि ऊपर जाने के लिए और सज्जे के ऊपर से जाना पड़ता है। और फाइनली पापड़ वगैरह अभी सारे ख़त्म हो गए डालना, और अभी अपन जा रहे हैं घर और बढ़िया से नहाते धोते हैं। और गाइस आज बता दूँ तो आज अपने यहाँ नाइट में शादी भी है, तो शादी का भी वीडियो कवर करेंगे। और अभी चलते हैं घर पर। तो इधर देख सकते हैं मम्मी पूरा सामान उतार रही है नीचे, और ये सब धूल डाल के तैयार हो गया। और ये मक्खन मामा, ये इनका घर है जो कि हम इनके घर पे पापड़ डालने आए थे। और ये अभी कहीं पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे मामा, कहाँ जा रहे, कुछ तो बोल। तो मामा अभी काम पे जा रहे बोले, क्योंकि अभी सुबह के टाइम पे काम पे जाते हो, धूप के टाइम में आराम करते हैं। तो अभी चलते यार, अभी घर पे नहाएंगे धोएंगे अभी बढ़िया से। तो फाइनली यार अभी घर पे आ गया था मैं, जो कि पापड़ का वीडियो कवर कर रहा था। और गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। और मिलता हूँ ऐसा इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तो जब तक के लिए जय हिंद।